कभी उससे तुमने कि वो जब घर जाता है तो अपने बच्चों से दूर कितना रहता है? क्या पूछा कभी तुमने उससे कि वो जब सड़कों की सफाई करके जाती है तो अपने बच्चों की किलकारी सुन पाती है या नहीं? क्या आपकी कॉलोनी से भी गया है कोई ऐसा परिवार जो काम कर रहा था, जो चला गया समेट कर सुबह के 4 बजे अपना सारा सामान, अपना पूरा परिवार लेकर उस टोली में जिसे ये नहीं पता था कि वो कितने घंटों तक पैदल चलेगा? कभी पूछा अपने कॉलोनी के वॉचमैन से कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है कि नहीं? पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उस कचरे उठाने वाले से जिसको हमेशा दुत्कारते रहे हो तुम। पूछ लेना उस सफाई कर्मचारी से जिसे हर बार डांटते रहे हो तुम। एक बार पूछ लेना उस व्यक्ति से जो तुम्हारे गार्डन की मोटर चालू करता है। और एक बार पूछ लेना उस काम वाली बाई से कि आज घर का खाना, इस महीने का राशन पूरा हो पाएगा कि नहीं। पूछ लेना एक बार उसके बच्चों को कल खाना मिला था कि नहीं। एक बार पूछ लेना, एक बार पूछ लेना कि उसके पिताजी या उसकी माँ जो बीमार थी कल उसको दवाई मिली है कि नहीं। बड़ी बड़ी बातें फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं, जिंदगी के इस मैदान में करो। ये वो खेल का मैदान है जो असलियत दिखा रहा है, हमारी असलियत, हम इंसानों की असलियत। ये मौका है, संभल जाओ। जब खत्म हो जाए इस कोरोना का डर, तब इंसानियत की सही पहचान दिख जाएगी। हर एक आंसू धीरे धीरे पोंछ जाएगा, लेकिन मुस्कान दिख जाएगी। वो दुकान दिख जाएगी जहां से सामान लेकर हम रोज आया करते थे। वो मंदिर दिख जाएगा, वो पुजारी दिख जाएगा, वो होटल वाला मेरा प्यारा भाई दिख जाएगा जिसके यहाँ नाश्ता कर कर हर शाम को मैं वापस क्लिनिक जाया करता था। पूछना, हर उस शख्स से पूछना जो लगा हुआ है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो पुलिसकर्मी हो सकता है, वो सफाई कर्मचारी हो सकता है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है, वो ANM हो सकता है। जरूर पूछना उससे, और उससे ये पूछना कि तुम्हारे पास इस महीने का खर्च उठाने के पैसे हैं या नहीं। वो नहीं पूछेगा तुमसे। आशा है कुछ हमारी आत्मा जागेगी। मुझे जो महसूस होता है वो मैंने बताया, आपको क्या महसूस होता है आप जानिए। करिए उनके लिए जिन्हें अभी जरूरत है और अभी कुछ महीनों जरूरत है।